सुख तो अलग ही चीज है, किसको सुख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, सारी दुनिया सुख ढूंढ रही है, सुख ढूंढ रहे बन बन, जंगल में ढूंढ रहे सुख, पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं ऋषि मुनि लोग सुख, कंदराओं में बैठे हुए तपस्वी लोग सुख ढूंढ रहे हैं। मैं पूर्णागिरी पर्वत पर चढ़ा तो जो रास्ता था उसके किनारे पहाड़ों में जो खोखर थे, गड्ढे, वहां साधु लोग बैठे थे, वहां सुख तलाश कर रहे हैं। क्या ढूंढ रहे बन बन, जंगल में ढूंढ रहे हैं, गुफाओं में सुख ढूंढा जा रहा है, महलों में सुख की तलाश चल रही है। लेकिन सुख है कहां? सुख ढूंढ रहे वन में, गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया, आहा, पर पता नहीं तो पाया, वह है तेरे अंदर में, पर पता नहीं तो पाया, वह है तेरे अंदर में, सुख ढूंढ रहे बन में, सुख ढूंढ रहे बन में, गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया, वो है तेरे अंदर में, पर पता नहीं तो पाया, वो है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस तल में सुख का सागर लहराता है, तेरे ही अंतस तल में सुख का सागर लहराता है, पर पता नहीं पता नहीं तो पाया, वो है तेरे अंदर में, पर पता नहीं तो पाया, वो है तेरे अंदर में, सुख ढूंढ रहे बन में, सुख ढूंढ रहे बन में, क्या ढूंढ रहे बन बन। जो वन में रहते हैं वे दिल्ली को याद करते हैं, जंगल में रहने वाले लोगों से मिलो जाकर वो तुम्हारे पैर पकड़ लेंगे और तुमसे कहेंगे एक बार तो बॉम्बे दिखा दो मुझे, और बॉम्बे वालों से मिलो जाकर तो वे तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे और कहेंगे एक बार कम से कम पहाड़ों के, जंगलों के, गुफाओं के गहन शांति में मुझे पहुंचा दो। बॉम्बे में रहने वाले लोगों को सुख पहाड़ों में दिख रहा है,
और पहाड़ों में रहने वालों को सुख दिल्ली और बॉम्बे में दिख रहा है, पर कबीर धाम में आने वालों को सुख अपने दिल के धाम में दिख रहा है, दिल के धाम में दिख रहा है। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं, तुम जहां हो तुम जितना चाहो उतना सुख निर्मित कर सकते हो। तुम्हारे सुख की चाबी तुम्हारे पास है, परंतु तुम हमेशा दूसरों के पास सुख ढूंढते हो। करहो विचार जो सब दुख जाई, करहो विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा तेरे सराई, परिहरि झूठा तेरे सगाई, करहु विचारे जो सब दुख जाई। कितना महत्वपूर्ण कबीर का ज्ञान। साहब कहते हैं विचार करो तो सब दुख दूर हो जाएगा। एक मौलवी रोज मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है, लेकिन अल्लाह ताला से रोज शिकायत सुनाता है, ये अल्लाह मैं तेरी रोज नमाज करता हूं, रोज मस्जिद आता हूं, पर तूने इतनी भी दुआ नहीं दिया कि पैर में जूते चप्पल नहीं है, कुछ तो ध्यान दे। और ऐसा शिकायत रोज करता था, धीरे धीरे अल्लाह के प्रति उसको प्रेम घटने लगा। प्रेम एक ऐसी चीज है जो घटता बढ़ता रहता है, चांद जैसा है। अगर पूर्णिमा का प्रेम है तो पूर्ण रहेगा, लेकिन यदि पूर्णिमा के बाद प्रेम शुरू हुआ है फिर घटता जाएगा, अमावस्या को पूरा खत्म, अंधेरा हो जाएगा। कितने लोगों के जीवन में प्रेम का चांद अमावस्या में प्रवेश कर गया है, पति पत्नी रहते तो साथ है लेकिन प्रेम खत्म है, अब दोनों दोनों को ढो रहे हैं, ढोते ढोते थक चुके हैं। पति भी मंदिर में बैठकर प्रार्थना करता है कि ये चुड़ैल कम मरेगी और स्त्री भी सोचती है मंदिर में पूजा करती है कि ये हमारा निखट्टू मूर्ख पति कब मर सकता है कि नहीं। आकाशवाणी होती है तुम दोनों 150 साल मरोगे ही नहीं तो क्या करोगे 150 साल, बस लहड़म पहड़म चलते रहो। मुहूर्त मपि जीवेच्च नरा शुक्लेन कर्मणा, ना कल्पम अपि ही कष्टेन लोकत दुई विरोधिना। एक मुहूर्त एक क्षण जीवन अगर प्रेम से भरा जीवन है, पवित्रता से भरा जीवन है, तो एक क्षण की जिंदगी कल्पों के समान होती है, कल्पों के समान होती है।
तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर हो कहे कबीर वह पलक ही कलप बराबर हो। कबीर कहते हैं लंबा जीने का अहंकार छोड़ दीजिए। अगर अहंकार से भर करके तुमने 200 वर्ष की भी जिंदगी जिया है तो ये जिंदगी जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी गंदगी का ढेर है। यदि संस्कार से विभूषित होकर के एक दिन की जिंदगी जिया है तो ये जिंदगी देवताओं से भी अच्छी जिंदगी है। नाजुक है जिंदगी लेकिन बड़ी सुंदर है जिंदगी। साथ देती नहीं है किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। रोते रोते पैदा हुए, टेंशन करते करते जवान हुए, दुख में डूबे डूबे बूढ़े हो गए और चिंता करते करते चिता में जलकर राख हो गए। यही जिंदगी का रिजल्ट है। कबीर जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए। संसार खुश होता है जब तुम्हारा जन्म होता है और जब तुम जन्म लेते हो तो खूब रोते हो। कबीर जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, तो क्या करना है? ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जब रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। जिंदगी ऐसी बना रहे दिल सारे, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल सारे। तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद
कि तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए या कि तू। विदुर जी ने विदुर नीति में एक बहुत बड़ी बात कही, दिवसे नयो तत् कुर्यात् एन रात्रौ सुखम बसेत्। अष्ट मासेन तत् कुर्यात् एन वर्ष सुखम बसेत्। पूर्वे वयस तत् कुर्यात् एन वृद्धा सुखम बसेत्। यावत् जीवेन तत् कुर्यात् एन प्रेत सुखम बसेत्। ध्यान देना, सर्दी और गर्मी के 8 महीनों में वह कार्य पूर्ण कर लो जिससे कि वर्षा ऋतु में सुख से रह सको। दिन भर में वह कार्य पूर्ण कर लो जिससे रात्रि में सुख से सो सको। बालापन और जवानी में वह कार्य पूर्ण कर लो जिससे बुढ़ापे में सुख से रह सको। और जिंदगी भर में वह कार्य पूर्ण कर लो जिससे मरते समय हंसते हंसते मर सको। बहुत बड़ी चुनौती है, जिनको जीना नहीं आया उनको मरना कैसे आएगा? वो मर भी नहीं पाते, ठीक से हिचिर हिचिर करते हैं। जीना सीखो, और जीना एक कला है। कैसे जीना चाहिए, तो सबसे पहले विचारवान बनो। जो मानुष गृह धर्म युत राखे शील विचार, गुरुमुख बाणी साधु संग मन बच सेवा सार। गृहस्थाश्रम में विचार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और गुरुमंत्र लेने की आवश्यकता है। सेवा करने की भी आवश्यकता है। गृहस्थाश्रम सेवा का आश्रम है। एक बहू आती है, सास ससुर की सेवा का सौभाग्य उसको मिलता है। कुछ ही वर्षों के बाद वो बहू भी सासू बन जाती है और उसकी सेवा के लिए उसकी बहू आ रही है। और सेवा वही कर सकता है, सेवा वही कर सकता है जो अपने अहंकार को मिटा सकता है। उदार हृदय बनो, दिल खोल कर सेवा करो। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सेवा से पूरा संसार चलता है। जो मानुष गृह धर्म युत राखे सील विचार, गुरुमुख बाणी साधु संग सार। हनुमान ने राम की सेवा किया,
सेवक का पद बहुत बड़ा पद है। देश सेवा, जन सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा, माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, सेवा तो सेवा है। कबीर, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। संसार से तुम हंसते हंसते जाओ और ये संसार तुम्हारे वियोग के दुख में रोता रहे। इस दुनिया में कुछ छाप डालकर जाइए, ऐसे कर्म करो। मुझे एक बहुत बड़े डॉक्टर मिले नालंदा में, बिहार में, तो एक बहुत बड़ा लेटर दिया, बोले इसको पढ़ लो। तो मैंने कहा इसमें सब दुख ही दुख लिखा हुआ है डॉक्टर साहब, छोटे डॉक्टर हो क्या? बोले जिले में हमसे बड़ा कोई डॉक्टर है। तो मैंने कहा इतना बड़ा दुख लिखा है? बोले दुख खाली जिंदा हूं और जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। हमने कहा हुआ क्या? बोले इसको पूरा पढ़ो आप। मैंने कहा ये तो तुम्हारी पत्नी ने लिखा है और पत्नी का लिखा हुआ लेटर पति ही पढ़ सकता है, गुरु के हिम्मत का काम नहीं। तो उन्होंने पढ़ा, पढ़ते थे और रोते थे, पढ़ते थे रोते थे, सिसकते थे, आंखों से आंसू, नाक से नाक टपके, अरे हमने कहा डॉक्टर क्या हुआ? बोले पत्नी छोड़कर चली गई, वो तो हंसते हंसते गई है पर मैं उसकी याद में रो रहा हूं। तो हमने कहा जिंदगी में तुम्हें रुलाया नहीं कभी क्या? बोले अगर जीते जी जिंदगी में रुला देती तो मरने के बाद हंसी आती, रोना नहीं आता। कितनी स्त्रियां मरने के बाद मेरे पति को रोना ना पड़े इसलिए जिंदगी में ही खूब रुला देती और फिर मर जाती है और कह जाती है कि अब रोना नहीं पड़ेगा, मैं जा रही हूं। जिंदगी में ही इतने इंजेक्शन लगा दिया है कि पति बेहोश पड़ा। किसी गांव में एक स्त्री मिली मरी, उसको दफन करने के लिए लोग जा रहे थे, अर्थी कंधों पर आगे आगे पति चल रहा था। रास्ते में एक नीम का पेड़ टेढ़ा लगा हुआ था, उसकी डाल टेढ़ी थी। गांव के लोग भोले भाले जिनके कंधे पर अर्थी पत्नी की लाश, उन्होंने अर्थी पेड़ की टेढ़ी डाल से टकरा दिया। जब अर्थी टकराई तो उस पत्नी की लाश को झटका लगा तो उसे होश आ गया और वो बोली कहाँ लिए जा रहे हो हमको, नीचे रखो। नीचे रखा, बोलिए बंधन खोलो। बंधन खोला, कहा ये क्या लपेटा है, कफन खोलो। कफन खोला, बोली मैं जिंदा हूं, जिंदा में दफन करने जा रहे हो, वापस लौटो। तो पति बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि बड़ी मुश्किल से मरी थी फिर जिंदा हो गई। ये हाल है, जिनसे तुम जिंदगी में ही परेशान बहुत हो जाते हो उनके मरने की तुम अशुभ कामना करने लग जाते हो, और जिनसे तुमको जिंदगी में आराम मिलती है उनकी लंबी उम्र की कामना तुम करने लग जाते हो, लंबी उम्र की कामना करने लग जाते हो।